हेलो एवं वेलकम है सोम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की हमारी न्यू नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल एंड इसके अलावा लेक्चरर इन नर्सिंग, इन सभी की पोस्ट हमें देखने को मिलती है। तो ये जो टीचिंग रिक्वायरमेंट है फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एम्स राजकोट से निकली हुई है या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट गुजरात की वैकेंसी है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट हमने देख ली है, टोटल पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ट्यूटर है उसकी 8 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 है और असिस्टेंट जो एसोसिएट प्रोफेसर उसकी 2 है और प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की 1 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भी दी गई है, जनरल के लिए कैटेगरी है और ट्यूटर के लिए भी यहाँ पर 5 यहाँ पर वैकेंसी है। तो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 5, जनरल के लिए वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए या फिर एग्ज़ाम देने के लिए हम यहाँ पर कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखते हैं प्रोफेसर कॉम प्रिंसिपल की, तो मास्टर डिग्री इन नर्सिंग विद एडवांस स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर कॉम प्रिंसिपल के यहाँ पर जो भी स्पेशलिटी होगी एमएससी होनी चाहिए। इसके अलावा 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। अगर आपके पास पीएचडी है तो भी यहाँ पर डिज़ायरेबल रहेगी, कंपलसरी नहीं मतलब जस्ट डिज़ायरेबल रहेगी पीएचडी भी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर इन नर्सिंग, तो इसका भी रहेगा मास्टर एमएससी नर्सिंग, ये भी सेम रहेगा, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इसके अलावा इसमें 8 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए है आफ्टर एमएससी इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग, इसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन नर्सिंग, तो इसमें मास्टर एमएसएन चाहिए और इसके अलावा 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए विथ अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस भी 2 ईयर का होना चाहिए और आफ्टर एमएससी के का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ट्यूटर की बात करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो नर्सिंग जो भी होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इसका एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना है। और डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो एमएससी नर्सिंग मास्टर ऑफ नर्सिंग डिग्री फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो ये हमारी 4 पोस्ट हो जाती हैं। तो इसका हमने एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी देख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जनरल कंडीशन, तो यहाँ पर पे स्केल की बात करते हैं। तो लेवल 10, 11, 12, 13 चारों ही पे स्केल देखने को मिलेगा। तो जो नर्सिंग ट्यूटर का होगा या फिर ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का होगा वो लेवल 10 होगा। इसमें यहाँ पर 56,000 से 1,00,000 यहाँ पर 1,77,000 सैलरी रहने वाली है। लेक्चरर इन नर्सिंग या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पे लेवल 11 रहेगा 67,000 से 2,00,000 यहाँ पर पेमेंट रहने वाली है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते तो लेवल 12 यहाँ पर 78,000 से 2,00,000, इसके अलावा प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का यहाँ पर 1,00,000 से 2,00,000 यहाँ पर रहने वाली है। तो ये हमारी जो जनरल कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमने पे स्केल की बात कर ली। अब हम कैटेगरी रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर का और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का। जनरल जो सर्वेंट होंगे उनके लिए 5 ईयर का और एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए भी 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो जस्ट अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आप इसका फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा पैटर्न होगा वो मेथड हमारा रिटर्न एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू वेस्ड जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं साइट ऑफ इंटरव्यू जो होगा हमारे, यहाँ पर इंटरव्यू भी देख लेते हैं कि इंटरव्यू भी होगा। तो कॉन्फ्रेंस हॉल होगा हमारा ग्राउंड फ्लोर आयुष बिल्डिंग एम्स राजकोट, नंबर TADA विल बी पेड बाय अपीयर इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, एप्लीकेशन फ़ीस हमने ऑलरेडी देख ली है। तो ये जस्ट हमारा हो जाता है। तो ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी हमने बात कर ली, शॉर्ट लिस्टिंग मेथड ऑफ द सिलेक्शन भी हमने देख लिया कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा पहले। तो इसके अलावा आपको इंटरव्यू के टाइम पर आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे ले जाना होगा प्रूफ के लिए। तो अदर भी अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ पर आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली इसको
रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी न्यू नोटिफिकेशन, तो आप जल्द से अप्लाई करिए। तो हमने लास्ट डेट की बात करी ली है, लास्ट डेट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट कब। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है 25 मार्च 2024 को हुई है और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड 25 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसे आप जल्दी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नर्सिंग ट्यूटर में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 10 अप्रैल 2024 तक जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल मतलब 10 अप्रैल 2024 रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई सून है, एग्ज़ाम डेट की भी नोटिफिकेशन आपको बता दी जाएगी। अब सिलेबस की बात कर लेते, तो सिलेबस में पूछा जाएगा जैसे कि साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेडिकल, सर्जिकल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और इसके अलावा फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, टॉक्सिकोलॉजी, कंप्यूटर इन नर्सिंग, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी। तो इस तरह से आपके जो हमारा सिलेबस रहने वाला है कि इस टॉपिक से ये हमारा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं। अब प्रोसेस की बात करते हैं तो एम्स राजकोट नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट 2024 सिलेक्टेड प्रोसेस बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा इसका। तो फर्स्टली तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। और अदर जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा एम्स राजकोट नर्सिंग ट्यूटर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ, आप यहाँ से सिंपली ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लिंक भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी लिंक, आप सिंपली वहां पर जाके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके शेयर भी करिए।